हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक कप गुड़, जो मेजरिंग कप से होगा आधा कप, आप देख सकते हैं। तो मैंने उस गुड़ को आधा कप पानी मिला के मैंने बॉईल कर दिया, और आप देख सकते हैं। और फिर मैंने स्ट्रेनर के हेल्प से उसको मैंने स्ट्रेन कर दिया, और फिर मैंने उसको ठंडा कर दिया था। देन ये ठंडा होने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 कप आटा, जिसे मैंने छन्नी से छान के ऐड किया था। ये 2 कप आटा हमारे मेजरिंग कप से 1 कप का बराबर होगा। और फिर मैंने लिया 1/2 कप अमूल, आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने लिया 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर मैंने लिया है, दालचीनी का पाउडर। और यहाँ पे मैंने दे दिया 1/2 कप ऑयल, जो कि अनफ्लेवर्ड ऑयल है और कोई भी स्मेल नहीं है उसमें। देन मैंने दूध मिलाते हुए इसका बैटर प्रिपेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 कप लगभग दूध यूज़ किया है। और फिर मैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ, ये ज़्यादा फ्लोई नहीं होनी चाहिए। मैदे वाले केक के बैटर से थोड़ा थिक होना चाहिए, तो मैंने लास्ट में ऐड कर दिया थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून विनेगर, और फिर मैं इसको मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं बैटर कितना फ्रॉदी हो गई इंस्टेंटली। और फिर मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से, फिर स्पैचुला लेके भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, जो भी साइड्स में बैटर लगा हुआ था वो सब कुछ मैंने सेंटर में लाते हुए मिक्स किया है। और यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया प्रॉपरली। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ चाय का पतीला, और देख सकते हैं मेरे पास 2 तरह की चाय के पतीला है, एक स्टील का है और एक इस टाइप का बर्तन का है। पर यहाँ पे मैं स्टील का नहीं ले रही हूँ, बिकॉज स्टील जल्दी हीट हो जाती है, इससे हमारा केक जल सकता है। तो मैंने ये वाला पतीला यूज़ किया है। इसे मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर दिया, फिर आटे से मैंने डस्ट कर दिया, इससे केक चिपकेगी नहीं। फिर मैंने सारा बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बैटर की। और यहाँ पे मैंने इसको टैप टैप भी कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक प्लेट दे दिया, जो कि आप देख सकते हैं साइड से थोड़ी सी खुली हुई। तो मैंने आटा लगा के इसको मैंने बंद कर दिया, ताकि कोई भी जो हीट अंदर से बाहर ना आए। देन हम इसे पकाएंगे, बेक करेंगे हमारे देसी जुगाड़ से। तो मैंने ये बहुत पुराना एक तवा ले लिया, इसे मैंने प्रीहीट कर दिया था 5 मिनट के लिए, और इसमें मैं प्लेस कर दूंगी हमारा जो चाय का पतीला है, और फिर इसमें बेक करूंगी 35 से 40 मिनट्स के लिए, तब तक ये बेक हो जाती है। 35 मिनट्स के बाद चेक कर सकते हैं। और फिर मैंने इसको ठंडा करके डिमोल्ड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरी आटा गुड़ का केक बन गई है। अब मैं इस केक को कट करके भी दिखाती हूँ, और ये कितना स्पॉन्जी बनी आप आगे देख सकते हैं। तो हम इस केक को गिल्ट फ्री खा सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही हेल्दी है। आटा और गुड़ का ये यमी सा केक बिल्कुल रेडी है, ये सिंपल सा केक हर कोई बना सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।